नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खुशी धान 27 के बारे में जो नाथ बायोजिंस कंपनी का है। इसमें एक धान आता है जो किसान भाई गोरखनाथ 509 के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कई सालों से किसानों की पसंद बनी हुई है। उसी कंपनी का खुशी धान 27 है जो पिछली बार किसानों का दिल जीत लिया था, तो हम उसी धान के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि कृषि से संबंधित वीडियो आपको YouTube पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं खुशी 27 धान के बारे में, इसकी अवधि यानी कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है। खुशी धान 120 से 125 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बाली गुच्छेदार होती है। इसकी बाली में दानों की संख्या 320 से 360 होती है। इसका पौधा की लंबाई के बारे में बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर होती है और इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो उसकी पैदावार 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम है। और इसका दाना छोटा होता है और जैसे साभा का दाना होता है उसी तरह से दिखता है। इसका पौधा काफ़ी मजबूत होता है और फसल गिरने का कोई संभावना नहीं रहता है। खुशी 27 रिसर्च धान होने के कारण किसान भाई खुशी 27 धान को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और नर्सरी के लिए बात करें तो 9 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए होता है और इसमें रोग का भी खतरा नहीं रहता है, जैसे खैरा रोग एवं हल्दी रोग से मुक्त रहता है। तो बस किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेके उपस्थित होंगे। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।